हाय एवरीवन, मैं भूवी। मेरे नीट एंड मचमोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने बबल पैटर्न के साथ बेबी के लिए कैप बुनना तो सीख लिया था, आज हम बेबी के लिए ये कार्डिगन कम किमिनो बुनना सीखेंगे। इसकी बुनाई मैंने फ्रंट साइड से स्टार्ट की है, फिर बाजू को बुनकर बैक साइड में जाकर इसकी बुनाई एंड हुई है। मैंने ये कार्डिगन 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों के नाप की बनाई है और इसको मैंने पॉम पॉम लगाकर ऐसे बांधने वाली बनाई है। आप चाहें तो इसमें 2 स्नैप बटन भी यूज़ कर सकती हैं। ये किमिनो स्टाइल है तो साइड में ऐसे मैंने स्नैप बटन यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, इस किमिनो को बुनना भी बहुत ही आसान है और आगे हम इसकी बुनाई कैसी करनी है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस किमिनो को बुनना सीखते हैं। इस किमिनो कम कार्डिगन को बुनने के लिए मैं वर्धमान की 2-ply यार्न यूज़ कर रही हूँ और 10 नंबर की सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ। ये 2-ply यार्न है, हम 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों के नाप की ये किमिनो बना रहे हैं, तो उसके लिए हम 72 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। सेवेंटी टू फंदे कास्ट ऑन करने के बाद हम बॉर्डर की बुनाई शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है, इसकी बुनाई हम पूरी उल्टी करेंगे, मीन्स पर्ल बुनाई करेंगे। एक रो पूरी उल्टी बुनाई करने के बाद इस रो की भी हम पूरी उल्टी बुनाई करेंगे। पहला फंदा इसमें स्लिप करेंगे और सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। टू रोज की बुनाई हमने कर ली है, अब आगे हमें बॉर्डर की लेंथ थोड़ी और बढ़ानी है, तो हमें 10 रोज और बुनने हैं। टोटल 12 रोज हम बुनेंगे। बॉर्डर के मैंने 12 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 उल्टी और सुलटी साइड बुनाई करके टोटल 12 रोज कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे हम पैटर्न बुनना स्टार्ट करेंगे। हम ये किमिनो स्टाइल बुन रहे हैं और ये राइट साइड की अभी हम बुनाई कर रहे हैं, तो साइड में हमें बॉर्डर की भी बुनाई करनी है, फिर यहाँ पे हम पैटर्न की बुनाई करेंगे। बॉर्डर बुनने के बाद ये फर्स्ट रो है और इसमें पहला फंदा हम स्लिप करके 7 फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे और ये साइड के बॉर्डर के फंदे हैं। टोटल 8 फंदे हमें बॉर्डर के रखने हैं। साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बुन लेने के बाद हमें यार्न पीछे लेकर आगे सुलटी बुनाई करनी है, लास्ट के 4 फंदे बचने तक। याद रखिएगा, हमें दूसरी साइड भी बॉर्डर बनानी है सिर्फ 4 फंदों की। बीच में हमें सुलटी ही बुनाई करनी है क्योंकि आगे हमें बबल पैटर्न बुनना है। मैंने बबल पैटर्न के साथ एक कैप की ये वाली वीडियो भी बनाई है, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब आगे हम सुलटी ही बुनाई करेंगे 4 फंदे बचने तक। यहाँ से यहाँ तक मैंने सुलटी बुनाई कर ली है, यहाँ पे अब 4 फंदे बच गए हैं, तो इसकी बुनाई हम उल्टी ही करेंगे। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है, अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हम पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो की हम उल्टी ही बुनाई करेंगे। Thank you.
टू रोज की हमने बुनाई कर ली है, अब आगे हमें इन्हीं टू रोज को ही रिपीट करके आगे फोर रोज हमें और बुनने हैं, और साथ में हमें इस साइड के बॉर्डर को भी बुनते जाना है। सिक्स रोज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, अब आगे हम पैटर्न बुनेंगे। तो सबसे पहले हम साइड का बॉर्डर बुनेंगे, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर उसके बाद सात फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे। फिर यार्न पीछे लेकर हम तीन फंदे सुलटे बुनेंगे। तीन फंदे सुलटे बुनने के बाद हम एक फंदा ऐसे छोड़कर फिर चार फंदे को हम ऐसे ऑफ करेंगे, उधेड़ देंगे। फिर उसके बाद जो पांचवा फंदा है उसको हम सुलटा ही बुनेंगे। बबल पैटर्न वाली बुनाई मैंने पहले भी बताई है, आपने उसमें देख ली होगी, तो ये बहुत इजी है। ऐसे ही करके तीन तीन फंदों के बाद हमें बबल बनाते जाना है। अब यहाँ तक हमने बबल बना लिए हैं और लास्ट में चार फंदे सुलटे बच रहे हैं, तो यहाँ हम इन चार फंदों को सुलटा ही बुनेंगे। चार फंदे सुलटे बुनने के बाद लास्ट के बॉर्डर के चार फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे। राइट साइड बुन लेने के बाद ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। एक रो हमने रॉन्ग साइड उल्टी बुनाई की, अब ये राइट साइड है। राइट साइड में हम उल्टी बुनाई करेंगे, फिर रॉन्ग साइड में उल्टी, ऐसे करके हमें फोर रोज और बुनने हैं। फोर रोज की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है, अब हमें फिर से बबल बनाना है। दो दो बबल्स के बीच में हमें अब एक एक बबल बनाना है। तो पहले हम बॉर्डर की बुनाई कर लेंगे। आठ फंदे हमने बॉर्डर की बुन लिए हैं, अब हमें दो दो बबल्स के बीच में एक बबल बनाना है। तो अब हम यहाँ पे एक फंदा सुलटा बुनने के बाद यहाँ से बबल बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें तीन फंदा सुलटा बुनकर बबल बनाना है। तो ऐसे करके हमें दो दो बबल्स के बीच में एक बबल बनाकर ये रो एंड करनी है, और लास्ट के चार फंदे हमें याद रखिएगा वो उल्टे ही बुनने हैं बॉर्डर के। राइट साइड बुन लेने के बाद ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हम पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो की उल्टी ही बुनाई करेंगे।
रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे हमें बबल्स की टू रोज और बुननी है। मैंने बबल्स के टू रोज कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल फोर रोज हो गए हैं। अब हम बॉर्डर के बाद यहाँ पे फंदे घटाते जाएंगे और ऐसी इसकी शेप आ जाएगी। यह अभी राइट साइड का पार्ट है तो हम राइट साइड के बॉर्डर के बाद ही फंदे घटाते जाएंगे। अब हमें हर राइट साइड में बॉर्डर के बाद फंदे घटाते जाने हैं और ये बबल पैटर्न भी बुनते जाना है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर के फंदों की बुनाई करेंगे। तो आठ फंदे हमें बुनने हैं बॉर्डर के। आठ फंदे बुनने के बाद हमें दो फंदों का यहाँ एक फंदा करना है। बॉर्डर के जस्ट बाद हमें एक फंदा हर बार राइट साइड में घटाना है। आगे के फंदों को हमें वैसे ही बुनना है और पैटर्न भी साथ बुनते जाना है। और लास्ट के चार फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है जो साइड के बॉर्डर के। राइट साइड की बुनाई करने के बाद ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को आगे के हमें उल्टे ही बुनने, मीन्स पर्ल बुनना है। रॉन्ग साइड हमने बुन लिया है, अब ये फिर से राइट साइड है। राइट साइड में पहले हम बॉर्डर के फंदों की बुनाई करेंगे, फिर बॉर्डर के फंदे आठ फंदे हम बुन लेने के बाद दो फंदों का फिर से हम वैसे ही एक फंदा करेंगे। याद रखिएगा हर राइट साइड में हमें फंदे बॉर्डर के बाद घटाते जाने हैं। फिर आगे हमें पैटर्न बुनना है, फिर लास्ट के चार फंदे हमें बॉर्डर के बुनने। अब ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करना है और राइट साइड में हर बार हमें फंदे घटाते जाने हैं और पैटर्न भी बुनते जाना है। और फंदे हमें तब तक घटाते जाने हैं जब तक कि 37 फंदे बच नहीं जाते। मैंने टोटल 37 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है और इसकी ऐसी शेप आ गई है। ये राइट साइड का पार्ट है। अब आगे हम इसके बाजू के फंदे कास्ट ऑन करेंगे और उसकी बुनाई करेंगे। ये राइट साइड है और ये दूसरी साइड का जो ये बॉर्डर है, ये जो फर्स्ट वाला फंदा है उसी के जस्ट नीचे से ही हम फंदे उठाएंगे बाजू के लिए। तो टोटल हमें 50 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जैसे मैं फंदे उठा रही हूँ वैसे ही आप देख के फंदे उठाइएगा। ये 49th फंदा है। अब ये क्रोशिया में जो बचा है इसको मिलाकर टोटल 50 फंदे हो गए। फंदे कास्ट ऑन करने के बाद इस रो की बुनाई हम पूरी उल्टी ही करेंगे, पर्ल बुनाई करेंगे। हमने बाजू के 50 फंदे उल्टे बुन ले हैं। अब आगे भी हमें उल्टी ही बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। अब रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद फिर से ये राइट साइड है। हमें यहाँ पे बॉर्डर के बाद अभी भी फंदे घटाने हैं। पहले हम बॉर्डर का एक फंदा स्लिप करके सात फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। फिर आठ फंदों के बाद हमें दो फंदों का यहाँ एक फंदा करना है। बॉर्डर के बाद एक फंदा घटाने के बाद हमें पैटर्न की बुनाई वैसे ही करनी है जैसे हम करते आए हैं। और फिर आगे बॉर्डर की बुनाई की तरह ही हमें बाजू के फंदों को भी उल्टा ही बुनना है। Thank you.
राइट साइड की हमने बुनाई कर ली है, फिर से हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड की बुनाई हम वैसे ही करेंगे, पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। रॉन्ग साइड की हमने बुनाई कर ली है, अब आगे हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है और इसी को रिपीट करना है। साइड में हमने बॉर्डर के बाद फंदे कटाते भी जाने हैं और पैटर्न को बुनते जाना है, और जो बाजू के फंदे हैं उसको हमें उल्टा ही बुनना है जैसे हमने बॉर्डर की बुनाई की है। और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि बाजू के 50 फंदे छोड़कर हमारे पास टोटल 24 फंदे बच नहीं जाते। मैंने 24 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है, यहाँ पे जो मार्कर लगा है यहाँ तक 24 फंदे बचने तक मैंने बुन लिया है, बाकी ये 50 फंदे बाजुओं के हैं। तो ऐसे ही हमें अब लेफ्ट साइड की भी बुनाई करनी है बिना पैटर्न के साथ। लेफ्ट साइड का पार्ट बुन लेने के बाद फिर नेक की बुनाई करके हम बैक साइड के पार्ट की बुनाई करेंगे। अब हमें लेफ्ट साइड का पार्ट बुनना है, उसके लिए फंदे कास्ट ऑन करेंगे, तो 72 फंदे हमें फिर से कास्ट ऑन करने हैं ऐसे ही, फिर बॉर्डर की बुनाई करेंगे। बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट हो गई है और ये लेफ्ट साइड का पार्ट है, तो अब हम आगे बुनाई करेंगे। इसमें जो चार फंदों वाला बॉर्डर, इसको हम पहले बुनेंगे, फिर आठ फंदों वाला बॉर्डर दूसरी साइड बुनेंगे। आगे हमें बॉर्डर वाली ही बुनाई कंटिन्यू करनी है, पैटर्न बुनना नहीं है। अभी हमें उल्टी सुलटी हमें 24 रोज बुन कर कम्प्लीट करने हैं, उसी के बाद हम फंदे घटाते जाएंगे। मैंने 24 रोज बुन कर कम्प्लीट कर लिए हैं। अब ये राइट साइड है, आप देख सकते हैं ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। मैंने राइट साइड इतना बुन लिया है और 10 फंदे यहाँ पे बचने तक बुनाई की है। अब हमें यहाँ से फंदे घटाने, जैसे यहाँ पे इस साइड से फंदे घटते गए वैसे ही अब ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, तो साइड से फंदे घटाने हमें, और सुलटी साइड से ही हमें हर बार फंदे घटाने। अब ये जो 10 फंदे हैं उनमें से आगे के दो फंदों को हमें सुलटा बुन कर एक फंदा बनाना है, फिर यहाँ आगे ला कर आठ फंदे हम बॉर्डर के बुनेंगे। राइट साइड की बुनाई हमने कर ली है और बॉर्डर के बाद हमने फंदे भी घटा लिए। अब हम ये रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे, उसमें हम पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। रॉन्ग साइड की बुनाई हमने कर ली है, अब ये फिर से राइट साइड है, तो राइट साइड में हम अब फिर से यहाँ पे 10 फंदा बचने तक बुनाई करेंगे, फिर वैसे ही आगे हम फंदे घटाएंगे जैसे हमने पहले घटाया था। हमने यहाँ पे 10 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है, अब आगे हमें फंदे घटाने हैं, तो आगे के जो दो फंदे हैं उसका हम एक फंदा करेंगे, फिर यार्न आगे लगाकर आठ फंदों की बॉर्डर की बुनाई करेंगे। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है, अब आगे हमें इसी को ही रिपीट करना है और तब तक फंदे घटाते जाने हैं जब तक कि टोटल हमारे पास 37 फंदे बच नहीं जाते। अब मैंने यहाँ 37 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है यहाँ तक, अब आगे हम बाजू के फंदे बढ़ाएंगे, फिर बाजू की बुनाई करेंगे। अब ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, तो राइट साइड के जस्ट ऐसे नीचे आएगा। हम जब बाद में बैक साइड वाला पार्ट बुन लेंगे तो इसको साइड से स्नैप बटन लगाकर हमें बाद में इसको जोड़ना है। अब आगे हम बाजू के फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 50 फंदे हमें कास्ट ऑन करने हैं, फिर नेक वाले पार्ट में बॉर्डर के बाद हमें फंदे भी अभी घटाते जाने। तो जैसे हमने राइट वाले पार्ट में 50 फंदे बढ़ाए थे वैसे ही इसमें भी क्रोशिया से 50 फंदे हमें कास्ट ऑन करने।
बाजू की 50 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इस रो में हमें यहाँ उल्टी बुनाई करनी है और यहाँ पे नेक पार्ट में हमने दो फंदों का एक फंदा भी करना है। हमने नेक पार्ट के 10 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक फंदा करके सुलटी बुनाई करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यार्न आगे लाकर बॉर्डर के 8 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। अब राइट साइड की बुनाई हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हमें रॉन्ग साइड में पर्ल ही बुनना है। हमें साथ साथ बाजू की बुनाई भी करनी है और नेक पार्ट में फंदे भी घटाते जाने, और तब तक बुनते जाना है जब तक कि बाजू के 50 फंदे छोड़कर हमारे 24 फंदे बच नहीं जाते। मैंने लेफ्ट वाले पार्ट की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम बैक वाला पोर्शन बनाएंगे। यहाँ पे हमें नेक के फंदे अभी कास्ट ऑन करने हैं, तो 24 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। आप याद रखिएगा, ये राइट साइड वाला पार्ट है और रॉन्ग साइड से मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ, तो जो सबसे पहले वाला फंदा है उसी के जस्ट नीचे से मैं फंदे कास्ट ऑन करना शुरू करूँगी, तो टोटल हमें 24 फंदे कास्ट ऑन करने। फ्रेंड्स, हमने 72 फंदों से फ्रंट साइड में स्टार्ट किया था। अब हमारे शोल्डर्स में दोनों साइड 24 फंदे बच गए हैं, तो हमें नेक पार्ट में 24 फंदे कास्ट ऑन करने होंगे, तो बाद में बैक साइड में टोटल 72 फंदे हो जाएंगे। हमने नेक पार्ट के 23 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और 24th जो फंदा है, लास्ट वाला फंदा, उसको हम लेफ्ट साइड के पार्ट के फर्स्ट वाले फंदे के जस्ट नीचे से ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ 24 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद आगे हमें पूरी उल्टी ही बुनाई करनी है। यार्न को हम ऐसे आगे लाएंगे, फिर पूरी रो की हमें उल्टी ही बुनाई करनी है। रॉन्ग साइड की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। बाजू में मैंने 42 रोज बुने हैं, तो बैक साइड की अभी हमें बुनाई करनी है, तो बाजू के 50-50 फंदे और बीच के 72 फंदों को हमें बुनते जाना है, और टोटल 42 रोज हमें बुनने हैं। मैंने 42 रोज बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी के साथ बाजू की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पे बाजू की सिलाई करेंगे, फिर आगे 72 फंदों को बुनकर आगे कंटिन्यू करके उसकी बुनाई भी कंप्लीट करेंगे। बैक साइड की बुनाई हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम बाजू को जोड़ लेंगे, तो इसकी हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ बाजू को हमें सिलना है, तो दूसरी साइड मीन्स फ्रंट साइड से हमें फंदे उठाने हैं। ये तो बैक साइड वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे हमें फ्रंट साइड से फंदे उठाने हैं। टोटल 50 फंदे उठाने हैं, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो जैसे मैं फंदे उठा रही हूँ, आप भी वैसे ही फंदे उठाइएगा। Thank you.
मैंने फ्रंट के 50 फंदे उठा लिए। अब यहाँ पे दोनों साइड के फंदों को हम ऐसे मिलाएंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा करते जाएंगे। दो फंदों का एक फंदा भी करना है और साथ में हमें फंदे भी बंद करते जाने। मैंने सारे फंदे बंद कर लिए, ऐसे स्लिप को जोड़ने से बीच में गैप भी नहीं दिखता है। अब हम इस यार्न को सिक्योर कर लेंगे, फिर हमें बैक साइड के 72 फंदों को उल्टा ही बुनते जाना है। अब यहाँ यार्न सिक्योर करने के बाद आगे हमें बैक साइड की बुनाई करनी है, तो हम सारे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। बैक साइड के 72 फंदे हमने बुन लिए हैं, अब हमें इस साइड के स्लीप्स के फंदों को जोड़ना है। तो वैसे ही जोड़ेंगे हम जैसे पहले वाले स्लीप्स को हमने जोड़ा था। हमें दो फंदों का एक फंदा करते जाना है और साथ साथ में फंदे भी हमें बंद करते जाने। आप इन फंदों को जोड़ने के लिए उल्टी या सुलटी कोई भी बुनाई कर सकती हैं। मैंने फंदों को जोड़ लिया है, अब इसी के साथ ही दोनों साइड के बाजुओं की सिलाई कंप्लीट होती है। स्लीप्स को आपको बहुत ही हल्के हाथों से बुनना है ताकि स्ट्रेचेबल हो और पहनने में अनकंफर्टेबल ना हो। स्लीप्स और नेक की बुनाई यहाँ कंप्लीट हो गई है, अब आगे हमें बैक साइड का पार्ट बुनना है। अब आगे हमें इसी बुनाई को कंटिन्यू करके उल्टा सुलटा बुन के जो फ्रंट साइड का पार्ट है उसी के बराबर हमें बुनते जाना है। मैंने बैक साइड का पार्ट भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसी के जस्ट बराबर मैंने इसको बुन लिया है और मैंने एक साइड में इसकी सिलाई भी कर ली है। अब हम दूसरे साइड की सिलाई करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने सिलाई कैसे की है। हमें सिलाई राइट साइड से ही करनी है। सेम यार्न लेंगे, फिर हम दोनों पार्ट्स को ऐसे मिलाकर दोनों साइड से एक एक फंदा लेके इसको सिलते जाएंगे। Thank you.
साइड्स की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस बॉर्डर के किनारे किनारे क्रोशिया से डिज़ाइन बनाएंगे ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। इसके किनारे लेस की तरह डिज़ाइन बनाने के लिए मैं 3.5 mm की ये क्रोशिया ले रही हूँ और सेम यार्न लेकर हम डिज़ाइन बुनेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से बुनना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सिक्योर करके नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद हमें 3 चेन बनाने। अब ये 3 चेन बनाने के बाद हम डबल क्रोशे बुनेंगे, सेम जगह से हम डबल क्रोशे बुनेंगे। डबल क्रोशिया बुनने के बाद हम 1, 2, 3 थर्ड वाली रो पे हम इसमें सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर उसके बाद हमें 3 चेन फिर से बनानी है, फिर डबल क्रोशिया बुनकर वही हम रिपीट करेंगे। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे और बॉर्डर के चारों ओर हमें ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाना है और स्लीव्स के किनारों में भी यही डिज़ाइन हम बुनेंगे। मैंने ये डिज़ाइन पूरी कर ली है और दोनों फ्रंट साइड में मैंने इसके चारों ओर इसकी बुनाई कर ली है और स्लीव्स में भी मैंने इसकी बुनाई की है। किनारों में डिज़ाइन बुनने के साथ ही इसकी मीनू की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। मैंने इसको लेफ़्ट साइड से बांधने वाली बनाई है पॉम पॉम के साथ और राइट साइड में मैंने स्नैप बटन्स लगाए हैं। आप चाहें तो दोनों साइड भी स्नैप बटन्स लगा सकती हैं। हमें राइट वाले पार्ट को ऐसे अंदर स्नैप बटन्स लगाकर फिर लेफ्ट वाले पार्ट को आगे लाकर ऐसे बांध देना है। इसकी बुनाई तो हमने कंप्लीट कर ली है, अब इसका मैं कंप्लीट मेजरमेंट आपको बताती हूँ। अब इसकी टोटल लंबाई हम नेक से नापते हैं। मैंने नेक से इसकी टोटल लंबाई लगभग 14 इंच बुनी है। आप अपने बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा बुन सकती हैं। अब हम स्लीव्स की नाप लेंगे। स्लीव्स को मैंने लगभग 12 इंच लंबा बुना है। आप यदि इससे लंबा बुनना चाहती हैं तो जब स्लीव्स के फंदे डालें तो उस टाइम में आपको थोड़े फंदे बढ़ाकर डालने होंगे। मैंने इसको बहुत ही हल्के हाथों से बुना है और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। अब इसके चौड़ाई की नाप ले तो इसको लगभग ऐसे देखें तो लगभग 12.5 इंच इसकी बुनाई हुई है। ये किमिनो स्टाइल है तो चौड़ाई में काफ़ी ये कम्फर्टेबल है। अब किमिनो की मेजरमेंट भी हो गई है। आई होप आपको ये किमिनो बहुत पसंद आया होगा। ये पहनने में बहुत ही यूनिक लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी नीट एंड मचमोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।